नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया और स्वागत है आप सभी दर्शकों का आप ही के चैनल पर। इस वीडियो में मैं साल 2020 के दौरान आपके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं यानी कि आपके करियर, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, दोस्ती, घर परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन में आने वाले अवसरों के बारे में ज्योतिषीय उपाय, अनुकूल महीने, मुश्किल भरे महीने, टिप्स और एडवाइस आदि मैं विस्तार से बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। मकर राशि के जातक इस वर्ष अच्छी सेहत का मजा लेंगे और आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। शनि देव और बृहस्पति जी के गोचर के कारण आप संतोषजनक महसूस करेंगे और आपके मन में संतुष्टि होगी। इस दौरान आप रचनात्मक तरीके से सोचेंगे और अच्छा काम भी करेंगे। आप यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आप जो भी लक्ष्य निर्धारित करें या जो भी कार्य शुरू करें उसे पूरा जरूर करेंगे। मकर राशि के जातकों के करियर की बात करें तो बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ गलतफहमी के कारण व्यापार में कुछ पेचीदा मामले आने की संभावना है। यदि आप रियल एस्टेट या कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हैं तो आपके लिए यह एक चुनौतीपूर्ण समय हो सकता है। आपको इस वर्ष के दौरान वेतन वृद्धि, प्रमोशन और ट्रांसफर्स भी मिल सकते हैं। कुल मिलाकर मकर राशि के जातक नौकरी या व्यवसाय में अच्छा धैर्य का प्रदर्शन करेंगे। वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान फाइनेंसेस बहुत प्रभावशाली रहेंगे। कई स्रोतों से आपको अच्छी आय का प्रवाह मिलेगा। इस दौरान आपके खर्चों में भी काफी कमी आने की संभावना है। रोचक बात यह है कि यह वर्ष मकर राशि के उन जातकों के लिए बहुत शुभ होगा जिनका करियर आयात निर्यात यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट या विदेश यात्रा जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से जुड़े हुए हैं। इस वर्ष में आपके लगातार यात्रा करने के संकेत भी मिल रहे हैं। इसमें व्यवसाय के लिए यात्राएं, छुट्टियां, विदेश में पोस्टिंग या विदेश में पढ़ाई के लिए यात्रा शामिल हो सकती है। मकर राशि के जातकों की कुंडली में ग्रहों के गोचर के अनुसार कुल मिलाकर आपके वैवाहिक जीवन में मिले जुले परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। जब साल शुरू होगा तो उस दौरान शुक्र आपके प्रथम भाव में होंगे जो आपके विवाहित जीवन के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए जनवरी के महीने में आप दोनों के जीवन में बेहतर प्रेम संबंध और रोमांस होगा। इसके बाद महीने के अंत में शनि देव मकर राशि में गोचर करेंगे जो आपके जीवन से रोमांस को दूर कर सकता है और आपका ध्यान दिन प्रतिदिन के मामलों और जिम्मेदारियों पर अधिक हो जाएगा। हालांकि मार्च के महीने में जब बृहस्पति जी मकर राशि में गोचर करेंगे तो यह समय फिर से आपके प्रेम और रोमांस को आगे लाएगा। हालांकि कुछ असहमति भी हो सकती है आप दोनों के बीच में, लेकिन आप मार्च से जून महीनों के दौरान अपने साथी को अधिक प्यार और उनकी अधिक देखभाल करेंगे। इस वर्ष की दूसरी छमाही मकर राशि के उन सिंगल जातकों के लिए शुभ होगी जो वर्ष के मध्य में विवाह सूत्र में बंधने की योजना बना रहे हैं। मकर राशि के जातकों के लिए एक उत्तम जीवन साथी की तलाश करने के लिए यह एक अनुकूल अवधि है। इस दौरान आपके द्वारा किए गए प्रयास सफलता पाने के लिए अच्छे होंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी व्यक्ति के जीवन पर उसकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति और ग्रहों का गोचर उस व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इसलिए ग्रहों की स्थिति और ग्रहों के गोचर का अध्ययन करके हम किसी भी व्यक्ति विशेष के जीवन की हो चुकी और होने वाली घटनाओं के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। तो अगर आप भी अपने जन्म कुंडली का सटीक अध्ययन कराना चाहते हैं तो आप हमारे से पेड कंसल्टेशन लेकर उचित सलाह ले सकते हैं। आइए अब आगे के राशिफल के बारे में बात करते हैं। मकर राशि के जातकों के घर और पारिवारिक जीवन के लिए यह समय काफी हद तक शुभ होगा। इस वर्ष की शुरुआत में आप प्रोफेशनल कमिटमेंट्स के कारण अपने परिवार को अधिक समय नहीं दे पाएंगे। 19 सितंबर के बाद
ग्रहों का गोचर मकर राशि के जातकों के बच्चों के लिए अनुकूल प्रतीत नहीं हो रहा है। ऐसी संभावना है कि मकर राशि के जिन जातकों के दूसरे बच्चे की आयु विवाह योग्य हो गई है तो इस साल उनके विवाह के योग हो सकते हैं। मकर राशि के विद्यार्थियों को इस वर्ष अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अधिक ध्यान और एकाग्रता की जरूरत होगी। जो विद्यार्थी विदेश जाने के लिए वीजा पाने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए मध्य सितंबर के बाद चुनौतियों में कमी आने लगेगी। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना शुभ रहेगा। मकर राशि के जिन विद्यार्थियों ने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन दिया है यानी कि स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन डाली है उन्हें भी छोटी मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसी प्रकार से आपके षष्ठम भाव में राहु के होने के कारण मध्य सितंबर तक की अवधि प्रतियोगी परीक्षाओं यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए शुभ होगी और आप प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल भी हो सकते हैं। इस वर्ष आपका स्वास्थ्य आमतौर पर अच्छा रहेगा। हालांकि आपके प्रथम भाव में शनिदेव के गोचर के कारण आप कुछ चुनौतियां भी महसूस कर सकते हैं। इस दौरान आपके स्वस्थ रहने के बावजूद भी आपको कमजोरी या सुस्ती महसूस हो सकती है। 30 मार्च के बाद बृहस्पति जी का आपके प्रथम भाव में गोचर करना और उसके बाद बृहस्पति जी की कृपा से आप स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत बेहतर महसूस करेंगे। इसके साथ ही नई स्वास्थ्य संबंधित चुनौतियां या समस्याएं आपको प्रभावित करें ऐसी संभावनाएं कम ही होंगी। आपको अनहेल्दी फूड या अनहेल्दी जीवन शैली से बचना चाहिए। समाज सेवा में रुचि लें और श्रद्धा से दान करें, जैसे गरीबों की सेवा, स्कूलों के निर्माण में दान देना, चिकित्सा केंद्र में दान देना इत्यादि इत्यादि। गायत्री मंत्र का पाठ करें, लोगों का सम्मान करें और जानवरों के प्रति दयालु बने रहें। साल 2020 में धनु राशि के जातकों के लिए अनुकूल महीने हैं मई, जून, अगस्त और सितंबर। वर्ष 2020 में आपके लिए जो महीने कुछ चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं वे हैं जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। दोस्तों, यदि आप इस साल का अपनी राशि के पूर्णमान को अंग्रेजी में देखना चाहते हैं तो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश वीडियो का लिंक दे दिया है और जिसका स्क्रीनशॉट आप अपनी स्क्रीन पर अब देख सकते हैं। तो यह था आपकी राशि का इस साल का राशिफल। अगर आप ज्योतिष और उससे संबंधित रोचक और लाभकारी जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट hindi.topastrologer.com/blog पर जाकर मनपसंद आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो बस इसे लाइक करें और वीडियो की जानकारी अन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर भी करें। हम आगे भी बहुत सारे उपयोगी वीडियोस लाने वाले हैं और अगर आप चाहते हैं कि उन वीडियोस की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी वाले निशान को क्लिक करके हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। हमेशा की तरह आप हमें अपना प्यार, सहयोग और सुझाव देते रहें, इससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है और बल मिलता है। आने वाला समय आपके लिए मंगलमय, खुशहाल रहे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए और हमारे साथ हमेशा बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।